बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 24 को आज हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन मतलब किसे कहते हैं, यानी ये वो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस कह लें कि मतलब वो अमल है जिसके ज़रिए से जो ज़िंदगी मतलब जो ज़िंदगी होती है, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं वो इवॉल्व होती हैं, मतलब उनके अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है, मतलब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सही। और फिर ऐसे सर डाइवर्सिटी होती जाती है, मतलब उसमें तब्दीलियाँ आती जाती हैं और फिर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते जाते हैं, सही। सो एवोल्यूशन क्या है, मतलब प्रोसेस डैट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म से मतलब तब्दीलियाँ लाता है, ठीक है, और मतलब ट्रांसफॉर्म जो 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 नई नस्ल आएगी उसके अंदर तब्दीलियाँ आती जाएंगी, ठीक है। सो प्रोसेस डैट ट्रांसफॉर्म लाइफ, ठीक है, इनटू वास्ट डाइवर्सिटी कर लें, इनटू वास्ट डाइवर्सिटी, ठीक है, कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ इनटू डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्स होना लाइफ के ज़िंदगी के अंदर, तब यानी बहुत सी लिविंग थिंग्स का जिसमें जो तब्दीलियाँ आती रहती है उसे एवोल्यूशन कहते हैं, सही। आपके सामने एक एग्जांपल है कि बेसिकली एवोल्यूशन में इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो इंसान है वो बहुत शुरू से लाइफ के बारे में सोचता आ रहा है कि मतलब इसका मकसद क्या है, लाइफ मतलब किस तरह हम मतलब लिविंग थिंग्स बनी, ठीक है, मतलब वो ओरिजिन जानना चाहता है कि मतलब ये कहाँ से शुरू हुई और फिर किस तरह कौन कौन से मराहिल थे जिस तरीके से गुज़र के आए, से तो इस पे बहस करने के लिए ना दो ग्रुप्स हैं, मतलब टू ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट हैं। एक होता है एवोल्यूशनिस्ट, ठीक है, एवोल्यूशनिस्ट से मुराद मतलब जो एवोल्यूशन पे बिलीव करते हों, एवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, मतलब जो कह लें कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, या जिसे आप कह सकते हैं आगे जगह हम पढ़ेंगे डार्विनिज्म या लामार्किज्म कहते हैं, ठीक है, एवोल्यूशनिस्ट हैं जो एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, सही। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मतलब स्पेशल क्रिएशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं या बिलीव करते हैं, उसे हम क्रिएशनिस्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब एवोल्यूशनिस्ट बेसिकली किस पे बिलीव कर रहे होते हैं, एवोल्यूशन के मतलब सिंपलर लाइफ थी, एवोल्यूशन सम्राट सिंपल लाइफ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती रही कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, मतलब सिंपल लाइफ के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती रही, जिस तरह मतलब शुरू में एक सिंगल बैक्टीरिया था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब उससे प्रोटिस्ट बने, प्रोटिस्ट से फिर एनिमल्स प्लांट्स और फंजाई के किंगडम बने, सही। सो दैट इज़ एवोल्यूशन, या एवोल्यूशनिस्ट उस चीज़ पर बिलीव करते हैं, जबकि क्रिएशनिस्ट जो हैं, क्रिएशनिस्ट वो बेसिकली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर बिलीव कर रहे होते हैं कि हर एक चीज़ जो सी है वो इसी शक्ल में बनाई गई है जिस तरह वो आपको नज़र आ रही है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, मतलब स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, और इसमें काफ़ी साइंटिस्ट थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो आइडिया था कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म किस तरह इवॉल्व होगा, मतलब शुरू में इतना लोगों को नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस आइडिया पे काम होता रहा। शुरू में ज़्यादातर जो साइंटिस्ट थे वो क्रिएशनिस्ट थे, मतलब उन्होंने कहा कि हर जो ज़िंदगी की जितनी भी शक्लें हैं वो इसी सूरत में पैदा की गई हैं, ठीक है, और उसके पीछे मतलब कोई बड़ी फोर्स थी, ठीक। जब एवोल्यूशन में क्या है कि मतलब कोई सिंपल चीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स चीज़ बनती है, दैट इज़ एवोल्यूशन, ठीक। सो जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो बेसिकली बिलीव कर रहे होते हैं कि लाइक शुरू में बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद मतलब कह लें कि टम्परेचर बहुत हाई था, मानी 13 बिलियन ईयर्स के बाद जाके मतलब ऐसा टम्परेचर फेवरेबल कंडीशंस मिली, फिर वहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हुई, फिर तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स लगे कि वो फिर मॉडर्न एज तक मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो सिंपल लाइफ थी ओरिजिन ऑफ लाइफ वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न लाइफ के अंदर कन्वर्ट होती रही, ठीक है।
सो इस सब स्पेशल क्रिएशन, और जबकि स्पेशल क्रिएशन जो है वो सिर्फ ये कहता है मतलब 6 से 10 हज़ार साल पहले से मतलब जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सरवाइव, मतलब ऑर्गेनिजम्स को मतलब स्पेशल क्रिएशन की गई उनकी किस तरीके से, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे उनमें मतलब चेंजेस आते रहे, ठीक है, मतलब चेंजेस को दोनों मानते हैं, लेकिन स्पेशल क्रिएशन इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि लाइक शुरू में बैक्टीरिया था, सिंपल ऑर्गेनिज्म था, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ, या फिर वो इस चीज़ पे भी बिलीव नहीं करते कि मतलब बिग बैंग थी और उसके बाद मास मास जनरेट हुआ, मास फिर ठंडा होता रहा, ठीक है, जैसे सूरज के टुकड़े हुए और ठंडा होता रहा, मतलब जो भी है स्पेशल क्रिएशन कहता है कि जो भी चीज़ मौजूद है वो इसी हालत में बनाएगी, जबकि एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि नई चीज़ों में आस्ते आस्ते तब्दीली आती रही। सही, इसके मतलब हमारा जो चैप्टर है हम उसमें हमने सिर्फ एवोल्यूशन डिस्कस करना है, ठीक है, स्पेशल क्रिएशन पे बात नहीं करेंगे। सो एवोल्यूशनिज्म को आप डार्विनिज्म भी कहते हो, एवोल्यूशन को आप डार्विनिज्म भी कहते हैं, डार्विनिज्म से मुराद नहीं, क्योंकि डार्विन के इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल है, हम आगे जाके देखेंगे किस तरह डार्विन ने एवोल्यूशन में रोल प्ले किया है, ठीक। अब हम देखते हैं कि मतलब किस साइंटिस्ट को देख लेते हैं, साइंटिस्ट जिन्होंने काम किए हैं एवोल्यूशन के मुताबिक, तो उसमें सबसे पहले लीनियस है, ठीक है, कार्लस लीनियस भी उसे कहा जाता है, सही, लीनियस, इसने क्या किया था, सॉरी लीनकस नहीं, सॉरी लीनियस ही है, लीनियस ने क्या किया था भला, स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, लीनियस ने इसकी मतलब 1707 से लेकर 1778 तक इसने बेसिकली, अगर आपको याद हो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बुनियाद रखी थी, मतलब इसने पहली दफ़ा कोशिश की कि यार हर ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिफरेंट नाम मिले, ठीक, कि एक्चुअली हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के बहुत से नाम रखते हैं, ठीक, सो इसलिए उसने कहा कि यार कोई ऐसा सिस्टम हो कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट उनका नाम हो, सो उसे उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा, नोमेनक्लेचर, सो नेमिंग या साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें बाइनोमियल से क्या मतलब है कि मतलब एक स्पीशीज से आता था और दूसरा जीनस से, ठीक है, स्पीशी और जीनस नाम दोनों मिक्स करके वो उसने साइंटिफिक नेमिंग की बुनियाद रखी। उसके बाद लामार्क साइंटिस्ट है, ठीक है, लामार्क ने लामार्किज्म का आइडिया दिया था, जिसे हम लामार्किज्म कहते हैं, ठीक है, इसकी 1744 से 1829 तक लाइफ स्पैन है, ठीक है, इसने भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पब्लिश की थी, जिसको हमने क्या कहा है, लामार्किज्म, ठीक है, जिसको हम लामार्किज्म भी कहते हैं। सो डार्विनिज्म और लामार्किज्म में थोड़ा बहुत फ़र्क है, जब हम आगे जाके इनकी थ्योरीज कंपेयर करेंगे फिर आपको आइडिया होगा। अच्छा, इसके बाद साइंटिस्ट था माल्थस, ठीक है, माल्थस एक और साइंटिस्ट था, और इसके जो लाइफ स्पैन था डेट वॉज 1766 to 1834, ठीक है, नहीं 1766 से लेकर 1834 तक, इसने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पे स्टडी की थी, मतलब इसने पॉपुलेशन की स्टडी की थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और उसमें उसने मतलब जो पॉपुलेशन के मुताबिक जितने भी कह लें कि फीचर्स थे वो डिफाइन करने की कोशिश की। वैसे पॉपुलेशन होती क्या है, पॉपुलेशन जो से है वो मतलब व्हेन सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ सेम एरिया इन अ सेम टाइम, उसे आप पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं, ठीक, लाइक अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो से रह रहे हैं एक ही वक्त में एक ही जगह पे, ठीक है, वो उसकी पॉपुलेशन कहलाएगी। सही, फिर साइंटिस्ट था कुवियर, 1769, ठीक है, और 1769 से लेकर 1832 तक इसकी लाइफ स्पेन थी। इसने प्लेंटोलॉजी पे काम किया था, मतलब प्लेंटोलॉजी से मतलब फॉसिल्स की स्टडी पे उसने काम किया, और उसने ये चीज़ आगे हम देखेंगे जाके, मतलब फॉसिल्स के बाद हम कंपेरेटिव एनाटमी देखते हैं कि बेसिकली जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था
वो किस तरह हमसे मिलता जुलता है, मतलब मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से, या फिर किस तरह उसमें मुख्तलिफ उससे मुख्तलिफ है, सही? तो प्लेंटोलॉजी के अंदर आ जाता है, ठीक। और दूसरा उसने हिस्ट्री ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म कहा था, मतलब जो ज़मीन पे कह लें कि बड़े बड़े कैटास्ट्रॉफी से मतलब बड़े बड़े वाक़यात होते रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर मतलब जो ज़मीन की पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब होती रही है, सही। तो उसके बारे में उसने डिस्कस किया, सही। और दूसरा उसके फील्ड ऑफ रिसर्च जो थी वो प्लेंटोलॉजी थी। उसके बाद लायल साइंटिस्ट है, 1797 से लेकर 1875 तक। अच्छा, साइंटिस्ट का काम याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मतलब आपको आइडिया देगा उस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, मतलब इस सब्जेक्ट पे किस किस ने काम किया है और किस किस लेवल का काम किया है, सही। और फिर फ्यूचर प्रोडिक्शन देता है, मतलब इस सब्जेक्ट में मज़ीद आगे क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम एंड में बात भी करेंगे हाउ दिस सब्जेक्ट इज़ मतलब रिलेटेड टू द मॉडर्न एज, मॉडर्न एज से किस तरह रिलेट कर रहा होता है। खैर, 1797 से 1875 पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। इसने जियोलॉजी पे, जियोलॉजी का आपको आइडिया होगा, मतलब स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की जो स्टडी है उसे जियोलॉजी कहते हो, ठीक। सो जियोलॉजी में बेसिकली आप कह लें कि आप देखते हो कि जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद लिविंग थिंग्स, के मतलब लिविंग थिंग्स से किस रिलेट करता है, उसके प्रिंसिपल्स को उसने पब्लिश किया था। फिर डार्विन जो कि मेन साइंटिस्ट है, 1809 से लेकर 1882, इसने काफ़ी काम किया था, ठीक है। उसने एक, हम पढ़ेंगे आगे जाके, वोयेज ऑफ बीगल, वोयेज ऑफ बीगल, ठीक है, मतलब बीगल का सफ़र इसने किया था। बीगल का सफ़र, बीगल एक बड़ा कह लें कि समंदरी जहाज़ था जिसके ऊपर बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया था, ठीक है। मतलब उस टाइम की जो ब्रिटिश मलका थी उसने इस सफ़र की फंडिंग की थी और बहुत से साइंटिस्ट को उसने अलाउ किया था कि यार आप 5 साल, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डार्विन था, इसने तकरीबन 5 साल बीगल पे सफ़र किया। उसके बाद उसने ऐसे लिखा था किसके ऊपर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, कि स्पीशीज़ की जो ओरिजिन है वो किस तरह हुई, और फिर उसमें फिर एवोल्यूशन को उसने डिस्क्राइब किया था, जिसे हम डार्विनिज्म कहते हैं, ठीक है। यस, हम थ्योरी डार्विनिज्म के आगे जाके हम थ्योरी भी देखेंगे, सही, जिसे आप इनहेरिटेंस, मतलब हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद मेंडल है, मेंडल बेसिकली वैसे 1600 में उसका मतलब लाइफ स्पैन था, लेकिन उसका जो काम पब्लिश हुआ था वो तकरीबन 1800 में हुआ था, ठीक है। सो 1822 टू 1884, ठीक है। और उसका इनहेरिटेंस पे काम था, ठीक है, जिसमें दो लाज आ जाते हैं। इनहेरिटेंस के लाज कौन कौन से हैं, जिसमें सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। उसके बाद वेलेस, वेलेस का जो लाइफ स्पैन है वो 1823 टू 1930 है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे चीज़ मतलब मॉडर्नाइज होती जाएगी। और इसने भी, सॉरी, ये वेलेस का जो, ये 23 है, ठीक है, 1823 से 1930 तक इसने अपनी थ्योरी जो है, इसकी भी मतलब थ्योरी थी एवोल्यूशन के ऊपर, वो उसने डार्विन को भेजी, ठीक है। और इन दोनों का काम मिलता जुलता है, ठीक, मतलब दे हैव सेम, लेकिन डार्विन का ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे है क्योंकि उसने किताबें भी लिखी हैं, नोटबुक्स भी हैं उसके, और उसके ऊपर उसने ऐसे भी लिखा है ओरिजिनल स्पीशीज़ के ऊपर से। तो खैर, उसने थ्योरी को डार्विन को सेंड की थी, सो मतलब सेंड थ्योरी टू डार्विन करना। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ साइंटिस्ट जिन्होंने एवोल्यूशन के अंदर बहुत से मतलब काम किए और की रोल जो जिन्होंने अदा किया। इसके अलावा जो लीनियस है,
ये क्रिएशनिस्ट था, क्रिएशनिस्ट सम्राट। उसने कहा जी कि जो मॉडर्न लाइफ है वो इसी सूरत में बनाई गई है, ठीक है, मतलब इसमें कोई एवोल्यूशन नहीं, एवोल्यूशनिस्ट नहीं था वो। लेकिन इसका जो काम था वो बेसिकली एवोल्यूशन को, मतलब जब हम आगे जाके देखेंगे, आपने बल्कि पढ़ा होगा कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे पहले हम किंगडम रखते हैं, किंगडम के अंदर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिमिलर हों, फिर उसके नीचे क्लास, सॉरी उसके नीचे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर जीनस और स्पीशीज़। और ये बेसिकली जो हायरार्की है किस चीज़ को बता रही है, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को। सो मतलब उसमें ही आपको पॉइंट आउट हो जाता है कि मतलब देर इज़ सम सिमिलरिटीज़ इनके दरमियान, सिमिलरिटीज़ है। सिमिलरिटीज से क्या मतलब है कि कोई ना कोई इनका इंसेस्टर एक होगा। से वैसे लीनियस जो सा था वो क्रिएशनिस्ट था, और फिर बाद में जो साइंटिस्ट हैं मतलब जिसमें डार्विन है और लामार्क मेन है जिन्होंने थ्योरी पेश की थी, वो एवोल्यूशनिस्ट थे। अगले लेक्चर के हम देखेंगे कि प्रोक्रियाट से यूक्रियाट्स कितना किस तरह बनता है, मतलब अगर इफ देयर इज एवोल्यूशन सो हाउ प्रोक्रियाटिक सेल